हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा मिश्रा फ्रॉम जबलपुर आई केयर। कंटिन्यूइंग विद माय सीरीज, अब कोरोना काल में हम लोग घर में ही रह रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टीवी पे बिता रहे हैं। ऐसे समय में आंखों में दर्द होना, थकावट का एहसास होना, आंख से पानी होना होता है मरीजों को, पर इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को एक बार दिखाना होगा। पर क्लिनिक आने से पहले और क्लिनिक में आपको क्या क्या सावधानियों को फॉलो करना होगा उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम कोशिश कीजिए कि आप प्रायः अपॉइंटमेंट लेकर ही आंखों के डॉक्टर के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। इससे वो आपको एक स्लॉट देगा जिस स्लॉट में आप ही से वहां ओपीडी में रहेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करना आसान रहेगा। अगर आप अचानक से ही बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचेंगे तो वो आपको भी हानिकारक होगा आपके लिए और डॉक्टर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और डॉक्टर को अपने टाइट शेड्यूल में आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, आप कोशिश कीजिए कि अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है वो फोन पे ही जो अपॉइंटमेंट आपसे ले रहा है उसको वर्बली लिखवा दें। इससे क्या होगा कि डॉक्टर के साथ आपका जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना कम चांसेस है कि एरोसोल या जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो एटमॉस्फेयर में फैले। तीसरी बात, जब आप डॉक्टर के पास आए तो कोशिश कीजिए, अगर आप अकेले आ सकते हैं तो सबसे अच्छा अकेले हैं, नहीं तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अपने साथ ना लाएं। कोशिश करें एक ही कोई आदमी आपके साथ आए, भीड़ में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने लोग बाहर निकलेंगे उतने लोग कोरोना को एक्सपोज होंगे। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जब आई चेकअप करा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम बोलें, जितना आप कम बोलेंगे उतना कम चांसेस है कि मुंह से एरोसोल या नाक फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद जब आई चेकअप हो रहा है आपका तो आप कोऑपरेट कीजिए, मतलब मास्क पहन के तो आपको आना ही है, और कोशिश कीजिए कि सर्जिकल मास्क पहन के आए। जो कपड़े का मास्क होता है इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सर्जिकल मास्क होता है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि सर्जिकल मास्क पहनकर ही आईओपीडी या किसी भी क्लिनिक में जाए। और दूसरा, वहां पर आप अपने साथ जो दूसरे मरीज आए हैं उनसे जितना कम इंटरेक्शन करें और जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें उतना अच्छा रहेगा। और तो आजकल हर क्लिनिक में सोशल डिस्टेंसिंग के वेटिंग एरिया को उसी माध्यम से बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। वहाँ जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उनके साथ कॉपरेट करें, अगर वो आपको सैनिटाइजर दे तो उससे अपने हाथ को साफ करें, उनको आपका टेम्परेचर लेने दें। अगर आप किसी कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं या किसी इन्फेक्टेड आदमी के कॉन्टैक्ट में आए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाना है। आपको फॉर्म दिया जाएगा उसको सही ढंग से आपको भरना है, उसमें कोई भी बात नहीं छुपाना है। उसके बाद कोरोना काल में जो ऑपरेशन है, अगर आपका मोतियाबिंद एकदम पक गया है या एकदम सख्त हो गया है तो आप ज्यादा दिन उसके लिए वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो आंखों में फिर उसके कारण अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए ऐसे ऑपरेशन आप करा सकते हैं, और मेरा सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और इसमें जो जो मैंने कहा उसको कृपया फॉलो करेंगे तो हम कोरोना से लड़ने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू।